हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का एक चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला, हिंदी साहित्य और अलंकार, तीन चैप्टर और एक जो सिंबल्स होते हैं विराम चिन्ह, ये चार चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वीडियो का एग्ज़ाम हो या फिर PCS का, इसमें हिंदी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हिंदी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये सारे चैप्टर नहीं देखे हैं, वो हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जा करके सारे चैप्टर को कवर कर लें। और आइए आज डिस्कस करते हैं हम लोग समास के बारे में। अगर हम लोग समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना, कम करना या घटाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घटाना, संक्षिप्त करना, कम करना या संक्षेपीकरण। और अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें, संक्षेपीकरण का मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो पदों या दो शब्द, दो से अधिक पदों से मिलकर जो शब्द नया बन रहा है, उसका अगर कोई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक मीनिंग नहीं है, तो वो समास नहीं कहलाएगा। ठीक है, समास की अगर हम लोग बात करें, तो समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद जो होता है वो पहले का पद होता है। जैसे मान लीजिए, द्वंद्व समास में पूर्व पद क्या है? द्वंद्व है। और उत्तर पद क्या है? समास है। ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है? बाद का। इसी तरह होता है पदों की प्रधानता की, जब हम लोग बात करते हैं समास में कि कौन सा पद प्रधान है, कौन सा अप्रधान है, तो उसमें होता है एक प्रधान खंड होता है और दूसरा गौण। जो प्रधान खंड होता है उसपे जो मुख्य शब्द है उसपे अर्थ का बल पड़ता है, और जबकि गौण खंड में अर्थ का बल नहीं पड़ता है। फिलहाल पूरे जो हम लोग ये समास डिस्कस करेंगे, वो हम लोग का पूर्व पद और उत्तर पद से ही सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें नंबर गेन करना है। ठीक है, हमें पंडित नहीं बनना है कि हम लोग पूरा समास क्या क्या कैसे होता है सब जाने। तो आइए सबसे पहले अब बात करते हैं समास के भेद के बारे में। तो देखिए, प्राचीन समय में जो समास था वो सिर्फ चार प्रकार था। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। ये जो कर्मधारय और दीर्घयु समास हैं, ये दोनों किस में थे? तत्पुरुष समास में ही थे, तत्पुरुष। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस समय विद्वानों ने क्या किया, वर्तमान के विद्वानों ने दीर्घयु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष से अलग कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कर्मधारय समास किससे निकला है, तो तत्पुरुष समास से, और कर्मधारय से ही क्या निकला है? दीर्घ समास। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। आइए अब हम लोग अपना पहला समास डिस्कस करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जब दो लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, तो दोनों लोग क्या होंगे? अपने आप में प्रधान होंगे। अगर दो लोगों के बीच में, जैसे प्रतिस्पर्धा किसके बीच होती है? एक पहलवान से दूसरे पहलवान के बीच होगी, तो दोनों अपने आप में क्या हैं? पावरफुल हैं। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग द्वंद्व समास की बात करते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, भाई बहन, गंगा यमुना माता। भाई भी अपने आप में प्रधान है, बहन भी, गंगा यमुना माता पिता। कुछ लोग अपोजिट समझते हैं कि अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? अपोजिट। और मेनली अगर हम लोग देखे जाए, तो ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं द्वंद्व समास मेनली। आई एम नॉट श्योर कि ये हर जगह नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हर जगह ये ऐसा नहीं होता है। बट अगर हम लोग मान लीजिए तुक्का मारना है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ चलिए, जहाँ पे योजक चिन्ह द्वारा दो शब्द जुड़े हों, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? द्वंद्व समास मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको, इसका समास विग्रह करेंगे, द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? और, अथवा, या, एवं। जैसे भाई और बहन, ठीक, गंगा और यमुना, माता और पिता। तो इसी तरह होता है ना, द्वंद्व समास इसी तरह होता है, जो इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, लोगों ने इसको तो रट लिया कि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे धर्मा धर्म, इसमें तो कोई योजक चिन्ह नहीं है। लाभा लाभ, पापा पाप, तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अगर इसको हम लोग विच्छेद करें, समास विग्रह करें, तो धर्म अधर्म, लाभ अलाभ, पाप अपाप। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या?
द्वंद्व समास हो गया। पहचानेंगे कैसे, इसमें जो दोनों पद होंगे समास में, जो दो पद हैं, ठीक है, इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो पद होते हैं, अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हमें दो पद मिलेगा। तो ये या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो क्रिया होंगे। याद रखिएगा, विशेषण कभी नहीं, कभी भी नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, रंग क्या है, लाल कपड़ा, ठीक, तो लाल क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, लाल क्या है हमारा विशेषण। तो लाल पीला अगर हमें कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, लाल पीला, तो ये क्या होगा, यह कभी भी द्वंद्व समास नहीं होगा, या होगा कर्मधारय समास। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइडेंटिटी के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये दोनों पद कैसे होंगे, या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन को हार्ड बनाएगा ना, तब आपको बस इसी के बेस पे आप जज कर सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है कि नहीं है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं द्विगु समास के बारे में, ठीक। अब द्वि से क्या आता है, दो नंबर आ रहा है ना, द्विगु से हमें किसका बोध हो रहा है कि दो नंबर है, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब भी कहीं द्विगु समास होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पहला पद होगा वह संख्यावाची विशेषण होगा। कैसा होगा, संख्यावाची विशेषण, और दूसरा पद कैसा होगा, प्रधान होगा। जैसे पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है, दोपहर, दूसरा पहर, नवग्रह, नवग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला पद अब सब में आप देखेंगे, देखिए पंच पांच हो गया, ठीक, यहाँ पे चार हो गया, यहाँ पे दो हो गया, और यहाँ पे नौ हो गया। तो ये हो गया ना सब संख्यावाची विशेषण, और दूसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, द्विगु समास में एक एक्सेप्शन होता है, जिससे क्या होगा, आपका बहुव्रीहि समास भी कवर होगा। होता क्या है एक्सेप्शन, देख लेते हैं उसको। यदि किसी शब्द का पहला पद, ठीक, किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों, तो वहां पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होगा, वो द्विगु समास नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, दशानन, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें दशानन, तो दस है आनन जिसके, दस सिरों वाला, तो दस सिरों वालों कौन है, रावण, ठीक। तो यह तीसरा अर्थ दे रहा है कि नहीं, और इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो पहला प्रधान होता है ना तो दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। चलिए अब बहुव्रीहि की डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे, तो बहुव्रीहि का मतलब याद कर लीजिए कि तीसरा अर्थ, ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए बात करते हैं बहुव्रीहि समास की, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोनों पद अप्रधान होंगे, ठीक, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, तीसरा पद जो देंगे उसका अर्थ क्या होगा, वह प्रधान पद होगा। अब जैसे चतुरानन की बात करें, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। दशानन की बात करें तो दस सिरों वाला रावण। चतुर्भुज की बात करें, चार भुजाओं वाले विष्णु। त्रिनेत्र की बात करें तो शंकर जी। पांचाली की बात करें तो द्रौपदी। पीताम्बर की बात करें तो श्री कृष्ण। नीलकंठ की बात करें तो शिव, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें एक और तीस, दोनों मिलकर क्या होते हैं, इकतीस, एक और तीस, लेकिन 22 22 नहीं, सिर्फ 31 हो गया, 21 होगा, ये सब कैसे होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और आजकल ये सब ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 31 हो गया। अब चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर मीन्स क्या होता है, गणेश जी। तो ये सभी देखेंगे आप तो तीसरा, जैसे 31 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक और 30 मिलकर कैसा अर्थ दे रहा है, हमें तीसरा मतलब 31 का अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर, पहले तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ एक्सेप्शन क्या है, जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है, जैसे पहला हम लोग पहले कर्मधारय समास के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जब कर्मधारय समास जो होता है, उसमें क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ठंडा पानी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ठंडा पानी, तो पानी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और ये क्या हो गया, ठंडा, उसकी विशेषता बताए, ये हो गया विशेषण। उसी तरह नीलकंठ की बात करें तो कंठ मतलब हमारा गला हो गया, और नील मतलब नीला, और इसका मतलब क्या होता है, नीलकंठ मतलब क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य आ रहा है ना, तो ये तो कर्मधारय में भी आएगा, तीसरा अर्थ तो ये दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसकी मीनिंग देखें तो यह विशेषण और विशेष्य भी, और
पीतांबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीला होता है, पीला वस्त्र। ठीक, तो ये पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, और अंबर मतलब वस्त्र क्या हो गया, विशेष, वस्त्र की विशेषता बता रहा है पीला। तो ये सब क्या होंगे, कर्मधारय समास भी होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो बहुव्रीहि आएगा या तो कर्मधारय समास आएगा। अगर मान लीजिए दोनों आ जाता है तो क्या करेंगे आप, बहुव्रीहि मानेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप फॉरेन कंट्री में गए, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश से। कोई जान रहा है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको बताना होगा कि मैं इंडिया से हूँ। तो सेम इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है। जब ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्या बताएंगे कि ये कैसा समास है, बहुव्रीहि समास है। और इन केस मतलब अगर आप लोग को, जैसे कुछ लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद रखना होता है, तो याद रखिएगा पर्यायवाची होते हैं बहुव्रीहि समास। क्या होते हैं ज़्यादातर, कैसे होते हैं, पर्यायवाची टाइप के होते हैं, क्योंकि पर्यायवाची में क्या होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग शब्द बताए जाते हैं कि पर्यायवाची इनसे और किस नाम से बुलाया जाता है। आइए बात करते हैं कर्मधारय समास की। देखिए इसमें क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक, अब विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, ठंडा पानी, अब देखिए पानी की विशेषता बता रहा है तो पानी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और ठंडा क्या है, विशेषण। इसी तरह मैंने आपको लाल पीला बताया था, ठीक है, लाल पीला। अब इसमें पढ़ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए इसमें जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, महादेव की बात करते हैं, ठीक है, महान देव, ठीक है, महान तो कोई भी हो सकता है, महान इंसान भी हो सकता है, महान विद्वान भी होते हैं, महान व्यक्ति भी होते हैं। तो इसमें दूसरा पद देखिए प्रधान है, देव, महान देवता, तो ये क्या हो गए, यह हो गया हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। अगला हमारा पीतांबर, पीला अंबर, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि पीला है, वस्त्र कैसा है, पीला है, तो पीतांबर भी कैसा हो गया हमारा, कर्मधारय समास। नीलकंठ, कंठ मतलब गला होता है, नील मतलब नीला, नीला कंठ, ठीक है, नीलकंठ भी क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास। उसी तरह लाल पीला, देखिए इसमें विशेषण है तो विशेषण से रिलेटेड ज्यादातर चीजें क्या होंगी, कर्मधारय, ज्यादातर क्या, लगभग सभी चीजें क्या होती हैं, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पहला पद अव्ययी हो और प्रधान भी हो, पहला पद क्या हो, अव्यय हो और प्रधान भी हो, एक तरह से देखा जाए तो वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, प्रति, अनु, आ, यथा, ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं, उपसर्ग होते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुरूप, आमरण। अच्छा ये सब देखिए एक्सेप्शन है, धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, ये सब भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। ये सब द्वंद्व समास में आप लोग मत ले जाइएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में याद रखिए कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए धीरे धीरे में क्या है, योजक चिन्ह है ना, तो ये सब क्या है, लेकिन अव्ययी भाव समास है, ठीक। और आज का लास्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो सबको पता है तत्पुरुष समास जितने भी सब में दो पद होते हैं, और इसमें पूर्व पद क्या होगा, वो सहायक होगा, और उत्तर पद कैसा होगा, प्रधान होगा। और ये दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े होंगे, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े होंगे। जैसे गृहकट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, गृहकट मतलब जेब को काटने वाला। अब इसमें को क्या है, यह कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक। को क्या है, एक कारक चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को क्या है, कर्म का चिन्ह है, तो यह कैसा हो गया, कर्म है। अब देख लीजिए कुछ जितने भी कारक चिन्ह है उनको देख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र में क्या है, राजा का पुत्र, बताइए यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक।
घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पे कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो है तीन और तत्पुरुष समास, ठीक है। इनके भेद के अलावा, कर्ता कर्म के अलावा भी जो तत्पुरुष समास है उनसे बारे में देख लेते हैं। जैसे एक है न तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या होगा? शुरुआत में आ या अन उपसर्ग लगा होगा, तो वहां पे क्या होगा? न तत्पुरुष समास। जैसे अनदेखा, अनसुना, अशुद्ध, अविवेक। अगर हम लोग अगला हमारा प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि में प्रा उपसर्ग लगा होगा, ठीक। जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, ये सब क्या होंगे? प्रादि तत्पुरुष समास। और इस आखिरी हमारा अलूक तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा? युधिष्ठिर, मनसिज, ये सब क्या होते हैं? अलूक तत्पुरुष समास। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और वीडियो की टेस्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट की जाएगी, तो आप लोग रेडी रहिए टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। बाकी करंट अफेयर को रेगुलर बेसिस पे देखिए, और जिन लोगों को हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़नी है वो सब प्लेलिस्ट में अपलोड है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर समय सिर्फ नए वीडियो का इंतजार मत करिए, पुराने वीडियो भी जो पढ़ाए गए हैं वो भी मटेरियल इसी तरीके से तैयार करके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।